कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक बार फिर से मानहानि का केस दर्ज हुआ है। बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार और कर्नाटक कांग्रेस के खिलाफ बेंगलुरु की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कराया है। पूर्व और मौजूदा सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत ने आईपीसी की धारा 499 यानी मानहानि व 500 यानी मानहानि के लिए सजा के तहत अपराध का संज्ञान लिया है। मामले की सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तारीख तय की गई है। बीजेपी के राज्य सचिव एस केशव प्रसाद ने विज्ञापनों में झूठे दावे कर पार्टी की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाने वाली यह निजी शिकायत 9 मई को दायर की थी। शिकायत के मुताबिक केपीसीसी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले 5 मई को प्रमुख अखबारों में प्रकाशित विज्ञापन में दावा किया था कि राज्य की तत्कालीन बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त थी और उसने पिछले 4 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं। शिकायत के मुताबिक विज्ञापन में केपीसीसी की ओर से किए गए दावे पूरी तरह से बेबुनियाद, पूर्वाग्रह से ग्रसित और मानहानिकारक थे। कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी ने ट्वीट कर कहा कि झूठ बोलकर और झूठा विज्ञापन देकर लोगों को गुमराह करना आसान है। बीजेपी ने अदालत के फैसले की सराहना की। पार्टी ने कहा कि अब इस मामले में कोर्ट उचित सजा देगी। गौरतलब है कि चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने बीजेपी पर बार बार 40% कमीशन लेने और भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।